हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूँ नेहा। कैसे हो आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं द बॉयज मीम्स एंड थग लाइफ मीम्स फ्रॉम द चैनल गुरी बोलते। तो गुरी बोलते के चैनल पे आज हम आ गए हैं बढ़िया से मीम्स देखने के लिए। एंड ऑल्सो इनके चैनल पे ना भी फिलहाल बहुत चुम्नेश्वरी मीम्स आ रहे हैं, तो ये वाला वीडियो भी सेम होगा और बहुत कंसिस्टेंसी के साथ गुरी बोलते के चैनल पे वीडियो आ रहे हैं, तो मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। सो लेट अस सी हाउ द मीम्स फ्रॉम द गुरी बोलते चैनल आर गोइंग टू बी। चलिए देखते हैं। हमें सोए हैं, पता है मेरे को पता था कुछ आने वाला है। अपना सा लागे। मैं क्यों यार वॉइस ओवर दे रही हूँ इधर? ओके ठीक है भाई, क्या हाल चाल है? स्वागत है आपका मीम्स की दुनिया में। ये वीडियो सिर्फ फन के लिए है, तो कोई भी बंदा सीरियस मत लेना। लाइक और शेयर करना मत भूलना। वीडियो को शुरू करते हैं आपकी पसंदीदा इंट्रो के साथ। अच्छा अनन्या, क्या एक फतेह की बात बताएं? फतेह क्या पता है तुमको? सारे रिश्ते ना खून के ही नहीं होते। तो क्या पानी के भी होते हैं? नहीं नहीं, तो कुछ रिश्ते जो होते हैं खून चूसने के भी होते हैं। जैसे? ओ अच्छा, अभी तो खून चूस के दिखाएं अभी आपको हम खून चूस के। जैसे कि मैम, काफी लोग आपको देख के वड़ा पाव खाने आते हैं और आपसे मिलने आते हैं, फिर बाद में वड़ा पाव खाने आते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, वड़ा पाव खाने ही आते हैं, बस मेरी मेहनत को वो करते हैं कि लड़की मेहनत करे। हाँ जी, ये नहीं है कि सुंदर है। मेरा नाम मीत है और ये मेरी सुंदर सी वाइफ प्रीत। हमने सुना है मैडम जी, आप लोगों को सिर छुपाने के लिए जगह दिलवाती हैं। हाँ, तो आप फ्लैट खरीदना चाहते हैं? A few minutes later. वैसे काम क्या करते हैं आप? अजी करने क्या क्या मैडम, कोई करने दे तो बहुत कुछ कर दे आप जी। मैं गिरा होया बंदा जमा नीचे बल्ली है। क्या हाँ। आप प्लीज दो लाइनें कोई भी गाना गा देंगे? सलमान खान, जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर्स हमने सलमान खान को एक्टिंग करते देखा है, डांस करते हुए देखा है, अब एक गाना भी हो जाए। ये भाई आपका मेरी बहना बहना मेरी बहना बहना अच्छा, ये आप नेगेटिविटी से आपको फर्क नहीं पड़ता? जो कुछ भी बोल रहे हैं लोग, ये भी कह रहे हैं कि अरे एल्विस छपरी हैं, तो क्या 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 कहना चाहते हैं? मैं कह रहा हूँ इसलिए तो चश्मे लगा के चलता हूँ, मैं आंसू नहीं दिखे इसके नीचे मेरे। हटा दिया, आप रो दोगे मेरी बातें सुन के यार, चश्मे लगा के। इसलिए चाहते हैं कि हम रोए, कुछ बोलिए आप। फिर बोल के तो रुलाऊंगा नहीं मैं आपको। इंडस्ट्री में नहीं होता है, लड़कियां खुद देती हैं। आप बोलोगे आप महिलाओं के, आप ऐसा बोल रही है? हाँ, इनको ऑडिशन नहीं करना है, इनको एक्टिंग नहीं सीखना है, इनको डांस नहीं सीखना है। तैयार होके आती है और आके एकदम पूरा एकदम पल्लू उल्लू गिरा के ऐसे पुशअप करके बैठ जाती है। सर मुझे काम चाहिए, सर मेरी ले लो। चाय जी का पहला आईफोन 15 प्रो मैक्स ब्लू कलर। थैंक यू, ये मेरा पहला आईफोन है भाई। इसको कोई मतलब नहीं है, पापा ने फोन ले लिया, अनबॉक्स कर लिया, ये अपना गेम पे लगा हुआ है, बस इसीलिए आया था ये। नाली, आपके पापा के पास आईफोन आ गया थोड़ी तुम्हारे पापा के पास, तो तुम भी खेल सकते हो ना यार। पहले ही बताओ, स्कूल में बाल कटवाने चाहिए कि नहीं कटवाने चाहिए? नहीं कटवाने चाहिए। और क्यों नहीं कटवाने चाहिए बताओ? क्योंकि हम हैंडसम दिखते हैं उससे। हैं? हैंडसम।
शक्ल देखिए हैंड्स में, दिखाइए दांत, दिखाना दांत, दिखाना हैंड्स में अपने। चकने लगे ना पट्टू लाओ दबे दिन भाई कोमल, कोमल ने अपने बाल को क्या सिखा रखा, देखो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक चीजें खाओ, तार, मिट्टी, चादर, पन्नी, धागे। वाह बेटा वाह, कौन से स्कूल में जाते हो आप, स्कूल में कौन से में? एलविश इंटरनेशनल स्कूल। अच्छा तो अनपढ़ है। खुद को रोस्ट हुई तो यार सेल्फ रोस्ट हुई। वेटर, ये वेटर कहाँ है? जी बताइए क्या लेंगे? क्या लेंगे, कितनी देर हो गई है हमें आए हुए और तू अब आ रहा है, जल्दी बताइए क्या क्या मिलता है खाने में। चौमीन, पनीर पकौड़ी, फ्रेंच राइस। फ्रेंच राइस? लगता है पढ़ा लिखा नहीं है तू, फ्रेंच फ्राइज होता है वो, अनपढ़ कहीं। A few minutes later. मैम मैं चॉपस्टिक लेके आ रहा हूँ। वो मुझे चॉपस्टिक से खाना नहीं आता, तुम फॉग लेते आना। क्यों, लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए लेकिन तुम्हें चॉपस्टिक से खाना नहीं आता? चॉपस्टिक से नहीं आता, क्या कहते Think is... आपका बच्चे से डिवोर्स नहीं होता ना? hmm. मैंने बड़ी अच्छी बात बोली आज, खुद ही इंप्रेस हो गई। आपका अपने बच्चे से डिवोर्स नहीं होता ना? hmm. वो कितना तंग करे आपको, होता है? hmm. हो नहीं बताओ, आई एम आस्किंग यू। मेरे बच्चे नहीं है। आपके माँ बाप के तो बच्चे हैं ना? सारी उम्र में जो कर जा बड़े, ये खुद पैर में कुल्हाड़ी मारता है एवरी टाइम। वेल्थ, लग्जरी, ब्यूटी और एक अच्छी लव लाइफ किसको नहीं पसंद है, तो इसके लिए आपको अपने शुक्र ग्रह यानी कि वीनस प्लैनेट को मजबूत करना होता है। तो इसी के लिए आज फिर से मैं आपको एक बहुत ही इजी रेमेडी बता रही हूँ। तो आपको क्या करना है, जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, मुझे पता था एक दिन पूरी तरह फंसोगे। यस, शक्ल देखो, मैं पहुंच जाऊंगा। पिछले 15-20 साल से मेरी तो जो खास चीज है वो ये है कि अब लड़कों और मर्दों को बदलना होगा। माँ मर जाती है, मर्द नहीं रोते, उनको लगता है ये उनकी मर्दानगी की, मर्दानगी के खिलाफ। आप, अच्छा, मैं बहुत रोता हूँ, मैं आपको बता दूँ। तो आप पूरे मर्द नहीं हो मियाँ, आपको कुछ करना पड़ेगा। बाबा, रसीद मंगवा दिया तुम्हारे लिए, बोलो। आपको ये बात कोई बताएगा नहीं कि इन प्यारे से भैया का ताज़ा मक्खन चख के मुझे बहुत मज़ा आया। ये भैया सुबह सुबह 5 बजे उठकर अपना ये ताज़ा मक्खन एकदम फ्रेश निकालते हैं अपने हाथों से, फिर उसके बाद उसे ब्रेड पे लगाकर देते हैं, लोगों को खिलाते हैं, और जो कुछ इनका मक्खन बच जाता है उसकी सिकंजी या लस्सी भी बनाकर देते हैं। ये मक्खन सुबह सुबह थोड़ा ही निकलता है क्योंकि एकदम फ्रेश होता है। अगर आपको खाना तो अच्छा, ओके। So answer as guru, okay. इतनी लड़कियां आपके पीछे पड़ी, आप कैसे हैंडल करते हो? मैं सो जाता हूं। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है। जैसे वो डिमांड करेगा वैसे आप दोगे ना, बट डेटिंग फेज में ऐसा नहीं आता। अगर सपोज तुम हमें डेट कर रहे हैं तो तुम्हारा हक नहीं बनता कि तुम मुझे बोलोगे अपना फोन दिखाओ, चाटे मार दूंगी। अगर रिलेशनशिप दिखा देती है मुझे तो लड़कियां, मेरी बेल्ट 2 टंगी हुई है वहां अंदर में गेट के पीछे। अच्छा, ओके, गुरु बोलते भाई मीम सही थे, दे वे लाइक नाइस मीम्स। यस, और ये वाला वो मक्खन वाला क्या था यार, ये फूड व्लॉगर्स भी आजकल कौन से रास्ते पे जा रहे हैं, मीमर्स को मीमर्स रहने दो भाई। हाँ, लेकिन मजेदार था, मीम द नाइस। ओके, सो या दैट इज इट फॉर टुडे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो। इस वीडियो को शेयर कर दो नीचे दिए गए व्हाइट सब्सक्राइब बटन को, वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, सो प्लीज़ फॉलो दैट टू। थैंक यू।